नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, हरियाणा में कुछ हड़ताल पर हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी, ठीक है। लेकिन आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो हैं वो दोगुने हो गए हैं साथियों, जबकि पक्के कर्मचारी तो कम हैं, लेकिन जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। नई इन्फॉर्मेशन है साथियों, पूरी जानकारी बताऊँगा अलग अलग तरह से। 26/6/2022 की जानकारी है साथियों, लीजिए साथियों। यूपीएससी भर्ती आदि ठेका कर्मी सिर्फ 2 साल में हुए दोगुने, ये देख लीजिए साथियों। जो पक्की भर्ती होती है वो तो आधी हुई है, लेकिन जो ठेका कर्मचारी हैं वो 2 साल में दोगुने हो चुके हैं। केंद्र की नौकरियों में ठेका प्रथा की तस्वीर ये देख लीजिए भाई। 2021 में यूं बड़े ठेके, इतने लाख कर्मचारी, 2020 में इतने, 19 में इतने थे, 18 में इतने थे, 17 में इतने थे, और ये देख लीजिए पीएसयू में ठेका कर्मी इतने बढ़ गए, पहले इतने थे फिर इतने थे फिर इतने थे, देख लीजिए 24 लाख के करीब हो चुके हैं साथियों। मात्र 2022 में लोकसभा में पेश सरकारी आंकड़े हैं ये। यूपीएससी और एसएससी की नियुक्तियां ये देख लीजिए साथियों, बड़ा ही बुरा हाल है। इंडियन ऑयल में ये देख लीजिए, एक इंडियन ऑयल जो अपनी है तो उसके अंदर ये देख लीजिए 1.6 लाख कर्मचारियों में से 73,070 ठेके पर हैं, यानी कि 69% कर्मचारी ठेके प्रथा पर लगे हुए हैं साथियों। ऐसा ही सिस्टम भारत सरकार बनाने जा रही है अग्निपथ योजना लेके। एक अग्निपथ एक ऐसी योजना है साथियों जो ठेके प्रथा से भी बुरा हाल इनका बना देगी। वैसे तो फौजियों को, जो सरकारी फौजी लगते हैं, उनको भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये तो ठेके पर है साथियों, देख लेना कितना इनका शोषण होगा। और ये देख लीजिए भारत में सरकारी जॉब चीन से आदि, यानी कि चीन में इतनी ज़्यादा हैं, उनसे भी आधी है भारत में। ये देख लीजिए ब्रिटेन में 35 लाख, चीन में इतने करोड़ और भारत में सिर्फ 2 करोड़ कुल नौकरियों का हिस्सा। ये देख लीजिए साथियों, कर्मचारी ठेके पर काम कर रहे हैं 2021 में लगभग संख्या 24.31 लाख पहुंच गई है साथियों, बुरा हाल। और आगे ये देख लीजिए हरियाणा में डी जी हेल्थ से मिलेगी यूनियन, अस्पताल के डिस्पेंसरी के सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी रहेंगे हड़ताल पर। पंचकूला की एक खबर है साथियों, ये देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी परेशानी तो सैलरी नहीं मिलने को आ रही है। सैलरी तो मिल जाए, जैसी तैसी आप दे रहे हो 15,000-20,000, वो तो मिल जाए। पहले इन कर्मचारियों के अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पा रहे थे, इसके बाद प्रदेश भर में कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर दी थी। ये देख लीजिए साथियों, इनके अकाउंट वेरीफाई नहीं हुए हैं और ना ही हमें इनकी अभी तक सैलरी आई है, और उनकी लिस्ट तैयार कर इन्हें दी जाएगी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अस्पतालों में दोबारा से कर्मचारी काम करना बंद कर देंगे। ये देख लीजिए साथियों, अस्पतालों से एक खबर आई है, इनकी सैलरी नहीं आई है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की है साथियों। ये देख लीजिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ठीक है, तो इसकी सैलरी है साथियों। इन अधिकारियों के साथ मीटिंग करी है इन्होंने, और ये आगे देख लीजिए अलग से फिर खबर। 29 से 29 जून NHM कर्मी करेंगे हड़ताल, ये भी अपनी हड़ताल पर हैं। इनका भी जो इनको पहले से जो भत्ते और जो सरकारी सुविधाएं मिलती थी, अब उनको डिक्लेटर कर दिया गया है, अब उनको इनका फैसला ले लिया गया है कि अब इनको नहीं मिलेगी, तो प्रदेश भर में ये भी हड़ताल पर रहेंगे साथियों, क्योंकि इन्हें पहले सारी सुविधाएं मिलती थी, इनको जो इनका जो वेतन बढ़ता था वो भी ठीक है, लेकिन अब इनको आगे से इनकी सैलरी को, यानी कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है, 14,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों के एक एसोसिएशन ने 14 जून से हड़ताल करने का फैसला लिया है साथियों। ये स्ट्राइक पर इसीलिए जाएंगे क्योंकि इनकी सैलरी को एक कर दिया जाएगा आगे, यानी कि आप आगे से ये कोई इनको इंक्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं लगेगा इनका, ठीक है साथियों। और ये देखिए, ये डेपुटेशन पर मिले थे 16 प्रधानाचार्य, 14 वापिस गए, 2 का कल कार्यकाल पूरा होने वाला है, सरकारी कॉलेज खाली। ये देख लीजिए साथियों, सब जगह बुरा हाल है, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। ये देख लीजिए चरखी दादरी की खबर है साथियों, 250 बच्चों का भविष्य दांव पर। सब जगह ऐसा ही हाल हो रहा है, फिर सरकार कह रही है कि हम बच्चों के साथ हैं, हम इनको अच्छी शिक्षा देंगे, हर जगह स्कूल पे स्कूल खड़े कर देंगे, लेकिन ये देख लीजिए 14 वापस गए, 2 का कार्यकाल पूरा कल हो जाएगा, सरकारी कॉलेज खाली हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, अब तक ये खबर पहुँचानी थी। और कॉलेजों में को नहीं मिली है टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों की 27 मंजूरी, अभी तक कोई 27 मंजूरी नहीं मिली है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की। जी हाँ साथियों, अब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।